देखते हैं इसको, एक दोनों में से किसी एक को मान लेंगे, मानिए लेट माना कि, लेट लिख दीजिए, लेट माना कि लिख लिए, टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया आपका वाई, क्या मान लिए वाई, तो इसको इधर टेन इनवर्स है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई, तो इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स बराबर कोट नब्बे पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है वाई है, इसमें इस तरह से हम लिखते हैं, इसको लिखे हैं देखिए कोट कोट नब्बे माइनस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं नहीं तो इसके जगह पर हाई लिख सकते हैं, दोनों में से आपका मर्जी कौन, इसके जगह पर इसके जगह पर इसके जगह पर हमने हाई लिखे हैं, तो चलिए तो देखिए इसको लिखेंगे तो इस इधर गुना में तो इधर आएगा तो टेन है तो कॉट है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा इनवर्स में, तो लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स बराबर नब्बे पाई बाई टू माइनस वाई, तो कॉट इनवर्स एक्स गुना में है वाई तो इधर आएगा तो प्लस में वाई इधर क्या आ जाएगा पाई बाई टू, तो लिखेंगे कोट एक्स और वाई के मान क्या है वो टेन इनवर्स, तो लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो इसको इधर से चेंज कर देंगे नहीं तो इतना ही पे भी छोड़ सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, आपका क्या आ गया यही आंसर आ गया, क्या आ गया आपका ये सीध हो गया, दोनों यहाँ पर भी छोड़िएगा तो दोनों यहाँ पर भी प्लस में है, इसको इस तरह से भी बनाइएगा तो यहाँ पर भी है, चलिए इसी को दुसार का नियम से देखते हैं, दुसार का नियम से यदि इसको सीध करने के लिए कह दिया तो सीध करने के लिए कह दिया, जैसे मैं लिख दिया आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, क्या दे दिया पाई बाई टू, तो लिखेंगे इसको एल एच एस, क्या लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो देखिए इसको इसको ए को के चेंज करेंगे या तो इसको टेन में चेंज, इसको टेन में चेंज कर देंगे नहीं तो इसको इसको कॉट को टेन में चेंज कर, किसी को ए को दोनों के ए के थी में करेंगे या तो इस दोनों को कॉट में कर देंगे नहीं तो दोनों के टेन, तो चलिए दोनों के टेन में कर देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस इसको टेन कॉट इनवर्स करने के लिए टेन टेन इनवर्स वन बाई एक्स यानी लंबटा आधार, लंबटा आधार ये होता है टेन थीटा बराबर लंबटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लम, और टेन थीटा बराबर होता है आपका, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है आपका टेन आधार बटा लम, और टेन थीटा बराबर होता है आपका लंबटा में आधार, देखिए आपका लम दे दिया है क्या एक्स और आधार का दिया है वन, इसमें दे दिया है आपका आधार क्या दिया है एक्स और लम क्या दिया है एक, तो इसी को ऊपर और नीचे कर दिए तो इसको आपका टेन में चेंज हो गया, तो देखिए इसको लिखेंगे टेन इनवर्स के फार्मूला पर लिख देंगे, टेन इनवर्स एक फार्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस टेन इंटू वाई, इसी पर रखेंगे इसको
टेन, देखिए एक्स की जगह क्या है, एक्स एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या है, वन बटा में एक्स, वन माइनस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पर ये कैंसिल, तो टेन वर्स दोनों के क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा एक्स एलसीएम मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या हो जाएगा वन, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका वन माइनस वन, क्या हो जाएगा वन माइनस वन, टेन बस देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे में आ गया क्या आपका जीरो, तो जिस बट्टे के संख्या के बट्टे में जीरो आ गया, जिस संख्या के बट्टे में जीरो आ गया उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव हो गया, इसका मान इन्फिनिटिव, यानी टेन इन्फिनिटिव का मान होता है नब्बे, तो टेन इनवर्स आई एगो टेन लगा के रेडियस में चेंज कर देंगे तो पाई बाई टू, तो टेन टेन कैंसिल यानी पाई बाई टू एंड।